तो प्यारे दर्शकों, परसरमा कोहली ग्राउंड पर आज पटना बनाम गया का मुकाबला खेला जा रहा है। शुभकामना कप के अंतर्गत टॉस जीता है गया टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। स्क्रीन पर दो उद्घाटक जोड़ी पटना की दिखाई पड़ रही है, एक हैं सौरभ सुमन और दूसरे सौरभ विश्वास। दो सौरभ, दमदार सौरभ और गेंदबाजी में मुकेश दुबे ने अपने हाथों में जिम्मेवारी संभाली है। हवा में गेंद, सर के ऊपर से उछाला है, पहला स्कोरिंग शॉट, पटना की टीम का खाता खुलता हुआ एक रन से। सौरभ ने खाता खोला अपना और अपनी टीम का, पटना एक रन, पहली गेंद डाली गई। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और खूबसूरती से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में ड्राइव करते हुए अपना सिरा बदला और टीम की रन संख्या को पहुंचाया कुल दो पर। तो दोनों ही सौरभ हैं, लेकिन एक हैं सौरभ विश्वास और एक हैं सौरभ सुमन। स्ट्राइकिंग गेंद पर सौरभ सुमन सामना करेंगे मुकेश दुबे की गेंद का। फुल लेंथ गेंद और टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई मिडिल स्टंप की तरफ आई, कांटा बदला गेंद ने, सर को नीचे रखा, कवर्स एरिया में धकेला बगैर किसी रन के। बहुत ही खूबसूरती से शॉर्ट आर्म पुल किया है और लगा दिया शानदार छक्का। 8 रन। नीचे रह गई थी गेंद, स्किट कर गई। तो बल्लेबाजी की बातें हो रही थी हमारे विशेषज्ञ कमेंटेटर रिंकू सिंह के साथ। पिछली गेंद थोड़ी सी चूंकि बहुत ज्यादा बाहर थी, जांचा परखा जाने दिया। विकेट कीपर के दास्तानों में एक ओवर की समाप्ति हुई है, 8 रन बगैर किसी नुकसान के पटना। तो गेंदबाजी में शिवम आए हैं, लंबी गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अंदरूनी किनारे को चूमती हुई चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो शुभम की पहली गेंद पर ही बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई डीप फाइन लेग की दिशा में चली गई गेंद 4 रन के लिए। पटना 12 बगैर किसी नुकसान के। सुरेंद्र नारायण सिंह कुछ बता रहे हैं क्षेत्ररक्षकों को। बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला गया शॉट, उतनी ही सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया बल्लेबाजों ने। एक और रन लिए, रनों की कुल संख्या चली गई 13, 13 रन बगैर किसी नुकसान के पटना। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। आप देख रहे हैं YSC परसरमा द्वारा संचालित शुभकामना कप 2020 का ग्रुप बी का प्रथम मुकाबला पटना बनाम गया का। टॉस जीता गया टीम के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। पटना कुल 12 रन, 13 रन बगैर किसी नुकसान के। शुभम गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट। सौरभ नाम के दो बल्लेबाज आए हैं, एक हैं सौरभ सुमन और एक हैं सौरभ विश्वास। जो सौरभ सुमन हैं थोड़े कद के छोटे हैं और सौरभ विश्वास उनसे कुछ ऊंचे कद के, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। हाँ, और पैड का कलर भी, उनके लेग गार्ड का कलर भी थोड़ा सा। हल्की गेंद, हाई आर्म एक्शन के साथ स्लो डिलीवरी, यॉर्क कराने की कोशिश, बल्लेबाज ने भापा और मिड ऑफ की दिशा में धकेलते हुए अपना सिरा बदला। रनों की कुल संख्या पटना बिना किसी नुकसान के 15 है। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है गया की तरफ से।
और अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं शुभम, उनके सामने है सौरभ विश्वास। अच्छी गेंद और स्क्वायर लेग की दिशा में हल्के हाथों से खेलते हुए सौरभ विश्वास अपने कुल निजी 8 पर चले गए हैं, जबकि सौरभ 7 पर खेल रहे हैं और सौरभ खेल रहे हैं 8 पर। कुल रनों की संख्या 16 विदाउट लॉस पटना। शॉर्ट आर्म पुल किया है, थोड़ी देर गेंद हवा में लहराई भी थी, लेकिन नो मैन्स लैंड में अगर दूसरे रन के लिए जाते तो अवश्य खतरा हो सकता था। और इसी के साथ 2 ओवर संपन्न हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पटना तीसरा ओवर शुरू हो रहा है नहर एंड की तरफ से, और अपने स्पेल को बढ़ाते हुए मुकेश दुबे। शॉर्ट आर्म पुल करने के चक्कर में बल्ले के भीतरी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई विकेटों में और पहला झटका लग गया पटना की टीम को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन थोड़े आक्रामक नजर आ रहे थे। तो अब पटना टीम की तरफ से आए हैं बिहार सीनियर टीम यानी रणजी ट्रॉफी टीम के एक सदस्य कुमार रजनीश, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मिथिला क्षेत्र में काफी अच्छी अच्छी पारियां भी खेल चुके हैं। मुकेश दुबे रजनीश के लिए। नीचे रहती हुई गेंद पर अपना कंधा झुकाया, सर को नीचे रखा और सामने की दिशा में खेला बगैर किसी रन के। 17 पर 1 विकेट का नुकसान हुआ है पटना टीम का। टॉस जीता गया टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। फुल लेंथ गेंद, कुछ गेंदों को परख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे और फिर अपने बाजू खोलेंगे। रजनीश जो जमीनी शॉट खेलने के ज्यादा धनी हैं और इनके तर्कश में, और यहां पे आउट हुए। बिल्कुल बेहतरीन कैचिंग की है, विकेट कीपर की जितनी प्रशंसा की जाए कम। विकेट कीपर ने शानदार, बहुत बड़ा विकेट, बहुत ही निराशु में बहुत ही खूबसूरत शॉट। लेकिन इसके पहले जो कैच पकड़ा गया था पूरी तरह से ब्लाइंड की पोजीशन होती है विकेट कीपर के लिए, वो जो सारा शरीर विकेट कीपर के सामने आ जाए, ब्लाइंड पोजीशन में थे और गेंद को उन्होंने आगे की तरफ लपका है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत ही कप्तान भी हैं जी, बिल्कुल। तो रजनीश के रूप में दूसरा विकेट का पतन हुआ है पटना का। मुकेश दुबे, ओह माय गॉड, अभी प्रशंसा कर रहा था मैं, और पिछले कैच की अपेक्षा ये मैं बहुत ही आसान कैच मानता हूं। मूवमेंट कर चुके थे दूसरी तरफ और गेंद आई, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। ओह बहुत ही खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में और यहां पर गिल्लियां बिखेर दी गई, बाल बाल बचे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ बड़ा ही सटीक। शुभम बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और आखिरी वक्त में सारा एफर्ट लगाते हैं। फॉलो थ्रू भी उनका ध्यान से देखें, जो फिनिशिंग होती है गेंदबाज की। वाइड का इशारा, पटना को 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन। शुभम की गेंद लेग स्टंप पर टप्पा पड़ने के बाद आश्चर्यजनक तरीके से मिडल और ऑफ की तरफ आई, बल्ले का मोटा हिस्सा चूमती हुई गेंद गई गली की जानिब। मिले हुए वक्त का फायदा उठाया बल्लेबाज ने। शांतनु पहुंचे 2 पर
सौरभ खेल रहे हैं 7 पर, टीम पटना टोटल 20, 2 विकेट के पतन के पश्चात। लंबी गेंद और यहां पर थोड़ी सी आगे गिरी है, काफी दूर है और यहां पर जी बिल्कुल दूर से ही नजर आ गया। एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ, कॉल पे ध्यान नहीं गए, कैच छूटा था लेकिन विकेट गिर गया एक और। तो पटना की टीम ने अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया, रन आउट के रूप में वापस पवेलियन आए हैं आउट होके अभी अभी। कुंदन शर्मा एक सामने से बड़ा अच्छा बल्लेबाज है, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं कुंदन शर्मा। फुल लेंथ गेंद, हल्के हाथों से गेंद फेंकी गई थी, धीमी रफ्तार की गेंद। इनके हिस्से में तो सफलता नहीं आई लेकिन टीम के हिस्से में सफलता मिली है अभी अभी। सामने से बल्लेबाज पहुंच चुके थे उस क्रीज के आसपास। जी बिल्कुल, चौथा ओवर बेहतरीन शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट लेकिन वहां पर गैप ढूंढ नहीं पाए, अपने पास रखो मत। तो 4 ओवर संपन्न हुए हैं, पटना टीम का कुल योग 3 विकेट के नुकसान पर। तो अब तक रंजन का फैसला सही गया, टीम के कप्तान का फैसला सही, टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का, 3 विकेट गंवा चुकी है पटना की टीम। स्कोर है कुल 21, 3 विकेट के पतन के पश्चात। तो सामने से किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं, मुकेश दुबे आए हैं फील्ड पोजीशन में, बताऊं स्लिप और गली का क्षेत्र बिल्कुल खाली, बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉट मिड विकेट और खिलाड़ी एक शॉट फाइनल की दिशा में। अच्छी गेंद, लाजवाब शॉट, बेहतरीन लाजवाब पुल किया है, शानदार छक्का निकलता। तो ये यथार्थ क्लासेस छक्का लगा अभी अभी। 27 की रन संख्या चलेगी पटना टीम टोटल 27 for 3। मुकेश दुबे राइट आर्म ओवर दिखे, बिल्कुल सीधी रही गेंद, हल्की सी गेंद में मूवमेंट, थोड़ी सी हिली। और अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर होंगे, बल्लेबाज होंगे, तो जो हल्की सी गेंद में मूवमेंट होती है वो ज्यादा परेशानी का सबब बनती है। गेंद में ज्यादा अगर कांटा बदलाव हो तो उसमें ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं बल्लेबाजों का, खासा परेशानी में डाल रखा है गया के गेंदबाजों ने, पटना के बल्लेबाजों पर एक अच्छा दबाव बना रखा है। दुबे जी की गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहां पर एक और विकेट का पतन हो गया। देखिए खुशियां तैर गई हैं गया की टीम। अगले बल्लेबाज के रूप में मिंशू झा, बाएं हाथ के बल्लेबाज एक मौजूद, कुंदन शर्मा दोनों का खाता खुलना शेष, और दोनों ही बल्लेबाज का, कुंदन शर्मा का भी खाता खुलना शेष। दुबे जी अच्छी गेंद, गेंद में तेजी थी और परेशानी इसलिए हुई बल्लेबाज को कि वो गेंद में उछाल नहीं मिली। तो 4 विकेट के नुकसान पर पटना टीम का कुल योग मात्र 27 है और ये ओवर नंबर फेंका जा रहा है 5वां। कमाल, काफी अच्छे तरीके से संभाला बल्लेबाज जो नए आए हैं, मिंशू झा, कम उम्र के बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल जो सचिन थे एक और बल्लेबाज सूरज जो 15 साल के दिखाई पड़ रहे थे सहरसा के, उस कड़ी में एक और नाम जुड़ा, अच्छा लगता है कम उम्र के बल्लेबाज जब खेलते हैं तो यहाँ से आशीर्वाद मिलता है इस ग्राउंड का, और फिर वो सीनियर टीम में उनका सिलेक्शन होता है। मैंने देखा है परसरमा के कुली ग्राउंड की एक खासियत रही है, जिसने यहां अच्छा खेला वो सीनियर टीम में सिलेक्शन होता है उसका। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के साथ अपने चंगुल पर खड़े हुए, दबाया अपने सामने। कुल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात पटना 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन। तो गेंदबाजी में गया की तरफ से पहली बार तब्दीली दिखाई पड़ रही है, गौतम आए हैं और उनके सामने इस क्षेत्र में कई दमदार इनिंग्स खेल चुके कुंदन शर्मा होंगे।
अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, कॉपी बुक स्टाइल से अपने सामने धकेला और साथी खिलाड़ियों ने पटना की बेंच से उनके लिए क्लैपिंग की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती हुई। तो ये एक खूबसूरती होती है क्रिकेट की कि आपका मनोबल जब टूटता हुआ लगे या टीम पिछड़ती हुई लगे तो बेंच काफ़ी अहम हो जाता है उसमें, और बेंच पर से जो आने वाली आवाज़ें हैं तालियां तालियों की, वो मनोबल बढ़ाती हैं। बल्ले जानबूझकर ये बाहर की तरफ गेंद फेंकी गई थी, लेकिन गेंद की लाइन तक पहुंचे हल्के हाथों से स्लैश किया, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। पटना 4 विकेट के नुकसान पर कुल 27 रन। फिर से हल्की गेंद और फिर से अच्छी बल्लेबाजी। अभी कुछ गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे और फिर सिंगल्स के जरिए इस साझेदारी को कुछ जमाने की कोशिशें होंगी अंशु, मिंशु और कुंदन शर्मा के जरिए। इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन, 34वां ओवर फेंका जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही खूबसूरती से इस गेंदबाज ने फंसाने की कोशिश की है, लेकिन कुंदन शर्मा के साथ लगभग 15 साल का एक बड़ा अनुभव है। गली से थर्ड स्लिप से एक नजदीकी क्षेत्ररक्षक लगाया गया है जो गली और थर्ड स्लिप के बीच में है। वाइड का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का, थोड़ी सी बाहर गेंद गिरी थी और खामियाजा भुगतना पड़ा गेंदबाज को। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए पटना 28 रन 4 विकेट का पतन हुआ है। 6th ओवर, गौतम ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, मात्र 1 वाइड गेंद की है और जो विकेट कीपर कप्तान ने बहुत चालाकी से एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जो आशीष टाइप का है, यानी बीच में दबाव जब बनता हुआ देख रहे हैं तो एक इस तरह की गेंदबाजी लगा के इस गेंदबाज के कोटे को पूरा करना चाहेंगे। और जो प्लेसमेंट था, रन आउट भी होने का खतरा था लेकिन गलत एंड पर थ्रो आ गई थी, बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल बिल्कुल। विकेट कीपर कप्तान बहुत ही तेज तर्रार होते हैं। और देखिए, मैं जब भी किसी की प्रशंसा की मैंने तो वहां पे वो पिछड़ा है, वाइड 4 निकलता हुआ, 5 रन और जुड़ेंगे खाते में, पटना के खाते में। ये महत्वपूर्ण मस्ट नीडेड 4 जो कि बल्ले से नहीं निकला। 34 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज पवन, लंबा कट और फिरकी गेंदबाज, अधिकतर अपने पैरों को ट्विस्ट भी करना पड़ता है, उंगलियां घुमानी पड़ती हैं, कई कलाइयों की जादूगर, उनसे भी उम्मीदें होगी मुंशु से। काफी ज्यादा बाहर गेंद और ये लीजिए एक और हाथों से छिटकता हुआ चौका निकलता हुआ। इस ओवर में 2 वाइड 4 निकले हैं, 10 अतिरिक्त रन और उस गेंद की गिनती भी नहीं होती है। ये है क्रिकेट और ये क्रिकेट की दास्तान। अब तक 1 गेंद हुई है इनकी और 11 रन खर्च कर चुके हैं, 11 रन मिल चुके हैं पटना की टीम को। कुल स्कोर पटना 40, 4 विकेट के नुकसान पर। फ्लैटेड बॉल, हवा में गेंद थी, नो मैन्स लैंड, और जब तक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। पवन कुंदन शर्मा के लिए फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली के साथ हल्की फ्लैटेड बॉल, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन लेना चाहते थे। मिंशु बाहर निकल आए थे दोनों स्ट्राइकिंग एंड से, कुंदन शर्मा ने मना किया। तो इस पारी को अब जमाने की आवश्यकता है, एक साझेदारी पनपनी चाहिए यहां से। और इस गेंद को हल्के हाथों से फाइन लेग की दिशा में धकेला है, अगर गेंद विकेटों में लगती तो निश्चित तौर पर मिंशु को वापस पवेलियन लौटना पड़ता। एक और रन पटना की टीम का कुल योग चला गया इस सिंगल के जरिए 42, 4 विकेट के नुकसान पे, जबकि ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 7वां। तो अब तक पूरे मैच की अगर बातें करें तो 3
कैच भी छूटे एक विकेट कीपर से और दो एक स्लिप और एक रन आउट जिसमें हुआ था। इसके बावजूद पटना की टीम 4 विकेट गंवा चुकी है। धैर्य की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं पवन। एक और ओवर संपन्न होता हुआ पटना 7 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं वाइट करार करने में अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह को। तो एक बार फिर से अपने गौतम आए हैं इस पहल को बढ़ाने के लिए। स्कोर की अगर बातें करें तो पटना 43 4 विकेट के नुकसान पर। हवा में गेंद और यहां पर बिजली की रफ्तार से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। हेलो, पटना टीम का कुल योग है 49 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स और ये ओवर नंबर प्रोग्रेसिंग कुल आठवां ओवर फेंका जा रहा है। 49 रन पटना, 4 विकेट का पतन हुआ है। एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता। उछाल थी इस गेंद में मिशु, जब तक गेंद की लाइन से खुद को हटाते उनके ग्लव्स में लगती हुई स्लिप की दिशा में गई थी। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है, कवर से एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर संपन्न हुए 8। तो पवन अपने स्पेल को बढ़ाते हुए नहर एंड छोड़ की तरफ से बाएं हाथ से राउंड द विकेट, अपना बायां पांव आगे बढ़ाया, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो पटना का स्कोर 49 50 से एक रन दूर। कुंदन शर्मा पवन के सामने हल्के हाथों से खेला था, लंबा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर कप्तान रंजन ने पूरा किया। पवन कुंदन शर्मा के लिए अच्छी गेंद, गेंद के पीछे आए थे, गेंद को ड्राइव किया कवर से एरिया में, क्षेत्ररक्षक ने गेंद को फील्ड ले किया वापस पवन के पास। 5 खिलाड़ी ऑफसाइड, 4 खिलाड़ी ऑनसाइड की व्यूह रचना के साथ पवन गेंदबाजी करेंगे कुंदन शर्मा के लिए। फिर से फ्लैटेड बॉल और इस बार थोड़ी सी गेंद टप्पा पड़ने के बाद अपेक्षाकृत ज्यादा उछाल प्राप्त की है। खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरती से गेंद को गली की दिशा में धकेलते हुए एक रन लिए और इसी के साथ पटना टीम के 50 रन भी पूरे हो गए। 9 ओवर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर पटना। तो पटना की टीम ने अपने 50 रन पूरे किए। जो 8 ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है उसकी आखिरी गेंद पर गणेश प्रवीण प्रकाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने होंगे कुंदन शर्मा। डांसिंग डाउन द ट्रैक, थोड़ी देर हवा भी लहराए थे। क्षेत्ररक्षक मौज, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हुई है वहां पर, लाजवाब फील्डिंग। जहां पर लग रहा था कि पटना की टीम को 4 रन मिल जाएंगे वहां मात्र 1 रन मिला। तो कुल मिलाकर प्रवीण प्रकाश आए हैं अपने गया की तरफ से कुल ओवर नंबर 10वां फेंकने के लिए। टीम का कुल योग पटना 4 विकेट के नुकसान पर 51। आउट होने वाले बल्लेबाज 4, सुमन सौरभ, कुमार रजनीश, शांतनु और सौरभ विश्वास, 4 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। पटना 51 10वां ओवर फेंका जा रहा है। मिंशु के लिए प्रवीण प्रकाश बल्ले पर पूरी तरीके से ले नहीं पाए और जब तक गेंद फील्ड होती मिड ऑन की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने अपना सिरा बदला। 52 रन पटना, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर 10 फेंका जा रहा है, ये पटना बनाम गए। बैकफुट पर गए, कवर्स की दिशा में धकेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद। खींच कर मारा गया शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में, एक बार फिर से अच्छी फील्डिंग की है। पिछला विकेट गिरा था 27 पर और अभी स्कोर है कुल 52 25
रनों की साझेदारी हुई है और ये साझेदारी कुछ लंबी और अगर चल गई तो पटना की टीम की वापसी होगी। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, एक खराब गेंद का सही उपयोग कई बार बल्लेबाज इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनकी टीम दबाव में होती है। बल्ला बाद में चला और गेंद पहले चली आई थी। तो मिंशू झा के बारे में बताया रिंकू जी ने कि शतक ठोक चुके हैं इस ग्राउंड पर। काफी बाहर जानबूझकर यह गेंद फेंकी गई थी। 11 दसवां ओवर संपन्न हुआ है। पटना 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेट के नुकसान पर 53 रन। पवन की गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया है कुंदन शर्मा का। बल्ला काफी देर से खामोश है और इस खामोशी को तोड़ा है इस छक्के के साथ कुंदन शर्मा ने। कुंदन शर्मा 17 पर और पटना को पहुंचा दिया कुंदन शर्मा ने 59 के योग पर। एक और खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग डीप बाउंड्री लाइन की तरफ ये गेंद गई थी। गेंद को फील्ड किया और जब तक गेंद विकेटकीपर के दास्तानों में आती दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले। पटना 60 रन 4 विकेट के पतन के पश्चात जब पहला विकेट गिरा था पटना का कुल योग था 17, दूसरा पतन हुआ था 17 पर, तीसरा 20 पर, चौथा 27 पर और तब से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 33 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी है। पवन मिंशू झा के लिए ओवर द विकेट, अच्छा शॉट गैप में खेला गया ये मिंशू झा के बल्ले से काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन कट किया अभी मिंशू झा ने। और देखिए यहां पर पिछले गेंद में नजाकत तो यहां पर एक बार फिर से अपने मानसिक शक्ति का परिचय दिया, चालाकी का परिचय दिया मिंशू झा ने। हल्के हाथों से खाली पड़े हुए क्षेत्र में ड्रिवन करते हुए, ड्राइव करते हुए, फ्लिक करते हुए रन लिया और रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल 65 रन। पटना 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर पवन डाल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से 11वां। बैकफुट पर गए थे, ड्राइव किया सामने की दिशा में और एक और शानदार छक्का निकलता हुआ कुंदन शर्मा के बल्ले से, बेहतरीन शॉट। तो अभी अभी यथार्थ क्लास से छक्का निकला है कुंदन शर्मा के बल्ले से और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल 11वां। 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर पटना। बेहतरीन शॉट, शानदार टेप, चालाक की भरी बल्लेबाजी। यहां पर मिंशू झा के बल्ले से चौका निकलता हुआ पटना 75। प्रवीण प्रकाश आए पटना की तरफ से, गया की तरफ से 12वां ओवर लेकर पहली गेंद पर चौका निकला, दूसरी डॉट बॉल, 48 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप कुंदन शर्मा और मिंशू झा के बीच हो चुकी है क्योंकि पिछला विकेट जब गिरा था तो पटना का कुल योग था 27 रन, तब आउट हुए थे सौरव विश्वास। फ्लैटेड बॉल, लॉफ्टेड शॉट, दर्शकों के बीच में ये गेंद गिरी है 6 रन के लिए। मिंशू झा चले गए अपने 17 के निजी योग पर, कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 24 पर। पटना और लीजिए एक और शानदार शॉट, क्षेत्र रक्षक यहां पे मौजूद है और इसी के साथ एक और शानदार छक्का निकलता। तो 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मिंशू झा, 24 पर कुंदन शर्मा। 60 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप इन दोनों के बीच अब तक हो चुकी है। वाइड का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण झा सर सिंह का। तो 45 गेंदों में ये 60 रनों की पार्टनरशिप हुई है मिंशू झा और कुंदन शर्मा के बीच। पटना ने अपना पहला विकेट गवाया था 17 पर, दूसरा 17 पर, तीसरा 20 पर और चौथा 27 के योग पर और तब से अब तक इन दोनों ने कमान अपने हाथों में थाम रखी है। लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद है और यहां पर एक और कैच टपक गया। तो कुल रनों की संख्या 89, 4 विकेट के नुकसान पर 89 रन पटना। ओवर नंबर संपन्न हुआ है कुल 12वां। बॉलर ने पर शर्मा के कोली ग्राउंड पर तेज हवाएं चल रही हैं और दरख्त मानो झूम रहे हो इन दोनों की बल्लेबाजी से
सारे दरख्तों को देखिए किस तरह से वो मज़े ले रहे हैं, झूम रहे हैं, इटला रहे हैं, बल खा रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाजी जो इतनी शानदार मिल सुझा कर रहे हैं। यशराज न्यूबॉर्न, छोटा बच्चा जान के ना कोई हाथ लगाना रे मिनसू झा, शायद ये बता रहे हो। और इन इशारों पर, इन बातों पर यहाँ के दरख्त, यहाँ के पेड़ अपनी पत्तियाँ भी गिरा रहे हैं फील्ड पर और झूम भी रहे हैं। लाजवाब मौसम, यशराज बॉलर, गेंदबाजी भैया यशराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर सीधा बदला है अपना, एक अच्छा थ्रो, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाएंगे और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया है। दो रन और मिले पटना को, पटना की टीम का कुल स्कोर चला गया 91 और इन दो रनों की मदद से 26 पर पहुंचे हैं मिंशू झा, 24 पर कुंदन शर्मा, पटना 91 चार विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर फेंका जा रहा है, खूबसूरत शॉट गैप ढूंढा अपने लिए और जब तक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। पटना 92, मिंशू पहुंचे 27 पर और अब 24 पर कुंदन शर्मा होंगे और उनके सामने होंगे गेंदबाज यशराज। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली, जो बाउंड्री लाइन पर बैकवर्ड पॉइंट था, बाउंड्री लाइन उसे नजदीक बुलाकर पॉइंट के पास खड़ा कर दिया गया है। दो वरिष्ठ और तगड़े अंपायर विनय झा और सुरेंद्र नारायण सिंह अपनी देख रेख में अपने निर्णय के लिए मशहूर हैं पूरे बिहार में। और खासकर विनय झा के मार उनके रिकमेंडेशन पर कई खिलाड़ियों का चयन भी होता है, हमने सुना है, जाना है, देखा है। और उनके फेसबुक से आप अवश्य जुड़िए, अगर बिहार की खबरों को, क्रिकेट को जानना चाहते हैं तो अवश्य जुड़िए, विनय झा उनका अकाउंट है। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट। एक बार फिर से मैं रन बता दूं प्यारे दर्शकों आपको, 93 रन पटना, चार विकेट के नुकसान पर, ओवर नंबर कुल 13वां फेंका जा रहा है। यशराज खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, शानदार क्षेत्ररक्षण। बजा दीजिए परसरमा के YSC के खिलाड़ियों के लिए, सदस्यों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने आपके लिए इतना अच्छा आयोजन लाया है भाई। बेहतरीन साज सज्जा, शानदार ग्राउंड की सज्जा की है उन्होंने। मुकेश दुबे जो कि अब तक के सफलतम गेंदबाज हैं, 3 विकेट की प्राप्ति हुई है उन्हें, छोड़ बदल कर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मिंशू के लिए बेहतरीन शॉट, पावरफुल शॉट था ये, काफ़ी माफ करेंगे, अब तक कुल 15 रन खर्च किए हैं और 3 लाजवाब सफलताएं प्राप्त किए हैं। एक बल्लेबाज रन आउट के रूप में वापस, यानी अब तक मात्र यही गेंदबाज सफल रहा है। बहुत ही खूबसूरती से कवर से एरिया में धकेला कुंदन शर्मा ने। तो 28 बॉल गेंदों का सामना करके कुंदन शर्मा खेल रहे हैं 25 के निजी ऊपर, 25 पर 25 बॉल गेंदों का सामना करके मिंकू झा खेल रहे हैं 27 पर और टीम पटना का कुल योग है 93, 4 विकेट के नुकसान पर, ओवर नंबर ये कुल डाला जा रहा है 14वां। बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन एक ऐसा वहां पर दमदार क्षेत्र रक्षक है जिसके हाथों से गेंद जल्दी छिटकती नहीं। 94, पटना की डूबती नैया को बचाने का काम किया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, कुंदन शर्मा और मिंटू झा, मिंसू झा, मिंसू। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी मिंशू झा के जरिए, एक ऐसा होनहार बिहार का सपूत जो धीरे धीरे अपनी बल्लेबाजी की विधा में सुधार लाते हुए आगे का सफर तय करेगा। और जब ये बड़े स्तर की क्रिकेट खेलेंगे तो हम गर्व से कहेंगे कि यही है मिंशू झा जिसने परसरमा के कोहली मैदान में शानदार बल्लेबाजी की थी। दुबे जी रुके एक बार,
गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर एक और आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। एक बिल्कुल लॉलीपॉप, स्कूली बच्चे भी इस कैच को नहीं छोड़ेंगे। पटना 14 ओवर 94 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। दानापुर और सुपौल के मुकाबले में जानकारी अभी अभी उपलब्ध कराई है आलोक ने कि 13 कैच छूटे थे और आज आधे दर्जन कैच छूट गए हैं आज भी। तो लीजिए अब ओवर नंबर ये 14वां फेंका जा रहा है, 15वां ओवर, और इस 15वें ओवर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं दूर वाले एंड से यशराज, जिन्होंने इसके पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की और मात्र 4 रन खर्च किए थे। पटना का स्कोर है 15 ओवर की शुरुआत पर 95, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अभी मिंशू का एक कैच ड्रॉप किया गया है, चौबीस और 27 पर 2 जीवनदान मिल चुके हैं मिंशू झा को। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन भी लगाया है यशराज ने। बैक टू द बॉलर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं यशराज, काफी किफायती गेंदबाजी अब तक यश की हुई है दाहिने हाथ से, और यहां पर फिर से डॉट बॉल। पटना का कुल योग चला गया 96-96 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है, और इन दोनों ने एक लाजवाब पार्टनरशिप निभाई है। बेशक 5 कैच इस दौरान ड्रॉप हुए हों, लेकिन लाजवाब साझेदारी पनपी है मिंशू झा और कुंदन शर्मा के बीच। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 रनों की पार्टनरशिप हुई है, क्योंकि जब पिछला विकेट गिरा था तो योग था पटना का 27, और अब जाके स्कोर है कुल 97। अच्छी गेंद अंदर की तरफ, परिवर्तन के तौर पर यशराज ने इस गेंद को डाली थी। ओवर संपन्न होता हुआ 15 ओवर संपन्न हुए हैं, पटना 97, 4 विकेट के नुकसान पर। तो मुकेश दुबे अपने स्पेल, अपने कोटे की आखिरी ओवर डालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, तो ये देखना बड़ा लाजमी रहेगा कि क्या अपने विकेटों की संख्या को बढ़ाते हैं। सामना करेंगे उनकी गेंद का कुंदन शर्मा, एक गली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और 2 क्षेत्ररक्षक ऑन साइड। नीचे रहती हुई गेंद बल्ले को अड़ाया था, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। पटना 16वें ओवर की पहली गेंद पर स्कोर 97, 4 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 97 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पटना। पटना की टीम ने आज टॉस गंवाया था और गया ने टॉस जीतकर पटना को पहले बल्लेबाजी सौंपी। शुरुआत में तो लगा कि उनका निर्णय सही था, लेकिन 6 कैच टपकाए, 27 पर 4 विकेट पटना गंवा चुकी थी, लेकिन मिंशू झा और कुंदन शर्मा ने पारी को संभाले रखा है। दुबे जी बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब स्ट्रोक, और ये लगा एक और शानदार छक्का। तो ये शानदार अभी अभी छक्का लगा है कुंदन शर्मा के बल्ले से, एक सिक्स निकलता हुआ, एक और लाजवाब शॉट, बेहतरीन छक्का, लंबा छक्का, दूर जाता हुआ ये शॉट, लगातार दूसरा छक्का, लाजवाब शॉट, बेहतरीन छक्का लग चुका है। हैट्रिक 6 पर हैं कुंदन शर्मा, अगर जड़ते हैं तो उमेश राज पासवान की तरफ से 5100 रुपए की राशि। जीएसटी काटने के बाद जी और ये देखिए कुंदन शर्मा ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए उमेश राज पासवान की तरफ से प्रायोजित 5100 रुपए की राशि जीती है। उमेश राज पासवान के लिए प्यारे मित्रों एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और वो 18% मुझे मिलेंगे।
अच्छी गेंद बल्ले के बाहर अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए विकेट की तरफ आए थे। एक लाजवाब ओवर पटना के लिए घटता हुआ 115 रन पटना 4 विकेट के नुकसान पर कुल ओवर नंबर संपन्न हुआ है 16। ऑस्ट्रेलिया में भारत की स्थिति भी संभली है 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर 44.5 ओवर के दरमियान। बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली पुजारा और चेतेश्वर पुजारा। अच्छा खूबसूरत शॉट बल्ले के बीचों बीच लिया, बैकफुट पर आए, पंच किया मिंशू झा ने। अधिकतर समय तक कुंदन शर्मा के पास स्ट्राइक रही थी, अच्छा फायदा उठाया और प्रायोजित हैट्रिक सिक्स पर रखे गए 5100 रुपये की राशि पर अपना कब्जा किया। बहुत ही खूबसूरत शॉट, शानदार लाजवाब छक्का मिंशू झा के बल्ले से निकलता हुआ। छक्के की मदद से 121 मिंशू झा पहुंचे अपने कुल 34 के निजी ओवर पर। कहां 27 पर 4 विकेट गंवा चुकी थी पटना की टीम और अब स्कोर है 121 रन। शतकीय साझेदारी के 6 रन दूर, करीब 6 रन अगर और दोनों बल्लेबाज मिलकर जोड़ते हैं तो ये शतकीय साझेदारी निभा देंगे पटना के लिए। यशराज सामने से लॉन्ग ऑन लगा रखा है, एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड काफी पीछे गली, बहुत अच्छी गैदरिंग। रंजन के द्वारा वाइट का इशारा आया, अंपायर विनय झा का इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए पटना 122 4 विकेट का पतन हुआ है अब तक। ओवर नंबर संपन्न हुआ है 17। तो एक अच्छी जानकारी आलोक के माध्यम से आ रही कि पटना के पारी के दरमियान कुल 10 छक्के लगे हैं और मात्र 4 ही चौके बाउंड्रीज के रूप में, जमीनी शॉट के रूप में मात्र 4 चौके निकले हैं। और इन 10 छक्कों में कुंदन शर्मा के हिस्से कितने छक्के हैं मैं आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा। कुंदन शर्मा ने अब तक कुल 5 छक्के जमाए हैं, 3 मिंशू झा और मिंशू झा के बल्ले से 3 छक्के। कुंदन शर्मा अपने कुल निजी योग पर, तो कुंदन शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए हैं, 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक मिंशू झा का प्रश्न, तो मिंशू खेल रहे हैं अपने कुल 34 के निजी ओवर पर। नए गेंदबाज शुभम आए हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट स्लोअर डिलीवरी अपने सामने दबाया, एक लंबा अनुभव कुंदन शर्मा के पास। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी का मुजारा उन्होंने अभी पेश किया था 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर उमेश राज पासवान के द्वारा प्रायोजित 5100 रुपये की राशि के हकदार बने। आप देख रहे हैं गया बनाम पटना का मुकाबला, टॉस गया की टीम ने जीती, पटना को बल्लेबाजी सौंपी। बहुत ही खूबसूरत बॉल और लीजिए, काफी देर से कुंदन शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। रूपक आए हैं, बेशक ये वाइड गेंद हो गई लेकिन इस गेंद में तेजी थी, रफ्तार थी और क्रिस के कोने का जो इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने वो दिखाई पड़ा। इस बार परसरमा के कोहली मैदान में बेशक हृदयानंद नहीं दिखाई पड़ रहे हो, संकल्प सौरभ नहीं दिखाई पड़ रहे हो, अच्छे अच्छे गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं इस बार मुझे। लीजिए यहां पर अंपायर के इशारे का भी इंतजार नहीं किया क्योंकि जान रहे थे बल्लेबाज कि मैं गलती कर चुका हूं। जब तक गेंद की लाइन से खुद को अलग करते गेंद उनके ग्लव्स को चूमती हुई विकेट कीपर के दास्ताने में गई। रंजन क्या जबरदस्त गेंदबाजी, तो कप्तान आए हैं धीरज और इन्हें धैर्य दिखाना होगा क्योंकि पटना की पारी को जमाने के पश्चात कुंदन शर्मा वापस लौटे, एक और विकेट गिरा, 2 लगातार सफलता शुभम प्राप्त कर चुके हैं और प्रायोजित इनाम हैट्रिक विकेट पर उमेश राज पासवान ने घोषणा किया है 5100 रुपये की राशि, उसके बिल्कुल बेहद ही करीब आ गए हैं मुहाने पर। कुंदन शर्मा जीत चुके हैं 5100 रुपये की राशि 3 छक्के लगाकर, क्या शुभम उस कारनामे को दोहराएंगे। शुभम
तो धीरज आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज और यहाँ पर जो प्रायोजित इनाम था उमेश झा के जरिए, उमेश पासवान के जरिए 5100 रुपये का, वो गमाते हुए गेंदबाज। तो अब बड़ी जिम्मेवारी है दोनों बल्लेबाजों के, मीशू झा और धीरज के ऊपर, कि जो विकेटों का पतन है उसे किसी तरह रोका जाए, क्योंकि पटना 2 लगातार विकेट गंवा चुकी है। 5वां विकेट 122 पर गिरा और 6ठा विकेट भी गिर गया 123 रनों पर। विकेट का पतन 17, 17, 20, 27, 122, 125, 123। फिर से अच्छी गेंद, लेकिन मिड और लेग की तरफ शफल किया खुद को और फाइन लेग की दिशा में धकेलते हुए एक रन लिए। एक अच्छा ओवर घट रहा है और इसी के साथ एक ओवर और संपन्न हुआ है। सफलतम ओवर, 2 सफलताएं इस ओवर में शुभम ने प्राप्त की। हाउ वाज दैट की अपील, थाइज में टकराती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर विनय झा का, और इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 125 पटना का कुल योग 125 रन 6 विकेट के पतन के पश्चात। ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है 19वां। दो बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। इस बार शुभकामना कप में बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाजों का जलवा रहा है और देखना है क्या मिंशू है, क्या करिश्मा दिखाते हैं। और एक और यहां पर स्लिप पकड़ लगाते या विकेट कीपर लंबी छलांग लगाते, पटना इस चौके की मदद से 129 रन। और जहां तक व्यक्तिगत स्कोर का प्रश्न, तो मिंशू झा खेल रहे हैं 34 पर और नए आए हुए बल्लेबाज 5 पे धीरज 5 के अपने निजी योग पर एक स्लिप लगाया है रंजन ने, जो टीम के कप्तान हैं। क्या खूबसूरत गेंद, क्या खूबसूरत गेंद, और क्या डंडा हिलाया है भाई, मजा आ गया इनकी गेंदबाजी देखकर। बिजली की रफ्तार से गेंद अंदर की तरफ आई और डंडा हिलता हुआ। सीधी रहती हुई गेंद, जांचा परखा और विकेट कीपर जो टीम के कप्तान हैं गया के रंजन, बड़े ही चालाक विकेट कीपर हैं, अच्छी गैदरिंग भी की, लाजवाब कैचेस भी पकड़े, लेकिन इनकी टीम की तरफ से आधे दर्जन जो कैच छोड़े गए वो सबसे बड़ी वजह बनी। पटना की टीम अब तक अगर ऑल आउट नहीं हुई है तो उनके द्वारा छोड़े हुए कैच महत्वपूर्ण है इस बात के लिए। 19 ओवर की समाप्ति हुई, पटना 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मुकेश दुबे की गेंदबाजी का विश्लेषण, 5 ओवर 34 रन, 0 मेडन, कोई मेडन नहीं, और 3 सफलता उन्होंने अपनी टीम के लिए अर्जित की। अच्छी गेंदबाजी मुकेश दुबे की, और अब एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। शुभम आए हैं जिन्होंने पिछले ओवर में 2 सफलताएं लगातार दिलवाई थी। साफ दिखाई पड़ रहा है पटना के ऊपर की खराब गेंदों पर भी शॉट्स नहीं निकलेंगे। बस एक बात की दुआ कीजिए कि पटना की टीम पूरे ओवर अगर खेल जाती है तो जो स्कोर अभी दिखाई पड़ रहा है 130, वो बाकी के 5-6 ओवर्स में अगर पटना की टीम ने 30-40 रन और जोड़ लिए तो वो प्लस पॉइंट होगा उनके लिए। 175 रन पर भी इस मैदान पर काफी फाइट होते हैं। शुभम रुपेश के लिए बाएं हाथ से बहुत ही खूबसूरत अदाकारी के साथ गेंदबाजी की, डिलीवर जिस समय किया तो हाई आर्म एक्शन था शुभम का। पिछला ओवर भी बेहतरीन था इनका, 2 लगातार सफलताएं इन्होंने अर्जित की थी अपनी टीम के लिए। और दायां बायां संयोजन जब होता है तो जो हमारे अंपायर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां होती। सुरेंद्र नारायण सिंह और विनय झा
दो वरिष्ठ अंपायर, 3.2 ओवर में 16 रन देकर के दो विकेट। अच्छा शॉट, आज ये जमीन पर धरती पर गेंद नहीं गिरेगी, लाजवाब छक्का, मिंशू जाके बल्ले से निकल। सुदर्शन, सचिन और मिंशू तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और तीनों ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, क्या शतक ये आज ठोकेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में, ये खूबसूरती होती है कि पिछले गेंद पर छक्का मारा था और इस बार अपनी भावनाओं को काबू में रखा, चाहते तो एक कट शॉट ले सकते थे लेकिन खतरा बोल नहीं लिया क्योंकि दो बल्लेबाज, तीन बल्लेबाज कॉट बिहाइंड हुए हैं। ये सारी बातें मिंशु के बल जेहन में हैं। शुभम, मिंशु के लिए लाजवाब शॉट, बेहतरीन शॉट, एक शानदार छक्का, ये लगा यथार्थ क्लास ए छक्का, यथार्थ फिर चैंपियन। अगर आखिर तक मिंशु झा टिक गए तो हो सकता है कि शतक भी ठोक दें, जितने तेज रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाह, क्या रन चुराया है और अपने नियंत्रण रखा अपने स्नायु तंत्रों पर। दूसरे बल्लेबाज होते तो सामने लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश होती उनकी, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा मुझे महसूस हो रहा है। 20 ओवर हैं यशराज ने, चौथा ओवर फेंकने आए हैं, पहली गेंद व्हाइट का इशारा अंपायर विनय झा का और एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए टीम पटना का कुल योग चला गया टोटल 145 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 145 रन पटना 7 विकेट के नुकसान पर। बाहर की तरफ काफी आगे गिरी थी गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, क्लच हो सकता है। जी बिल्कुल, यहां से भी अगर प्रत्येक ओवर्स में प्रत्येक 6 गेंदों में 10 रन बनाए हैं पटना की तरफ से तो 200 के आंकड़े तक पहुंचना आसान हो जाएगा और 200 का रन बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है 25 ओवर के मुकाबले में। हालांकि यहां पर विशेषज्ञ कमेंटेटर रिंकू जी ने बताया कि 175 भी संघर्ष करने लायक स्कोर होता है। ये गलत शॉट, सामने से मिंशु आ रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को समझाने के लिए। रुपेश भी कम उम्र के खिलाड़ी लग रहे हैं, जो उनकी शारीरिक संरचना है वे भी अंडर 17 दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा गेंद, अच्छी गेंदबाजी और बार बार डॉट करा रहे हैं बल्लेबाज को। ये लीजिए हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और यहां पर एक और पारी की समाप्ति हुई है। 8वें विकेट का पतन हुआ पटना का। मिंशु अपने अर्धशतक से मात्र एक रन दूर। 21 ओवर की समाप्ति के पश्चात पटना 8 विकेट के नुकसान पर, 146 रन मिंशु खेल रहे हैं 49 रनों पर और नए आए हुए बल्लेबाज को खाता खोलना बाकी। 146 गौतम बॉलर है और 49 पे खेल रहे हैं। गौतम के सामने हैं मिंशु झा, एक सिंगल लेना चाहेंगे, 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 50 के करीब और गेंद का पीछा कर लिया इस बार मिंशु झा ने। बीसीए से रजिस्टर्ड टूर्नामेंट है और इसमें किसी तरह का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसकी सारी रिपोर्टिंग जाती है, तो आप बस एक रन दूर हैं अपने अर्धशतक से, इस बात का ख्याल रखें। ओहो, और ये देखिए अर्धशतक पूरा नहीं हो पाया, मिंशु झा 49 पर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं, सिंगल उन्हें लेना चाहिए था और यहां पर 9वें विकेट का पतन। आखिरी जोड़ी पटना की, कुल स्कोर 146 रन 9 विकेट के नुकसान पर। लंच ब्रेक मात्र 5 मिनट का, तो ओवर्स नंबर की अगर बातें करें तो ये 22वां शुरू हुआ है, 4 ओवर अगर टिक कर बल्लेबाजी करें सिंगल लें बल्लेबाज तो काफी रन जुटाए जा सकते हैं, बल्लेबाज तैयार नहीं थे।
मुकाबला है पटना बनाम गया का, और आज टॉस जीतकर गया टीम के कप्तान रंजन ने पहले क्षेत्ररक्षण चुना। मेडन ओवर की समाप्ति हुई है जिसमें उन्होंने विकेट भी प्राप्त किया मिंशू झा का। पटना 146 नौ विकेट के नुकसान पर। शुभम बहुत ही अच्छी गेंद, और जिस कदर यहां पर गैदरिंग हो रही है कंधे के ऊपर, उससे आप गेंदबाजों के प्रतिभा को परख सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने कंधे में जोर है, उनके जान है, कलेजे में शक्ति है। जैसा पप्पू कर रहे थे, टिंकू कर रहे थे, स्मॉल ओवर चल रहा है लेकिन मूवमेंट अभी भी नजर आ रहा है बॉल में। बिल्कुल अब तक का मूवमेंट है गेंद में, और यहां पर गेंद हवा में काफी देर रही थी, नो मैंस लैंड, काफी पीछे थे क्षेत्ररक्षक कवर से एरिया में। अब दिलचस्प बात यह होगी कि पटना की टीम 150 के आंकड़े को कब छूती है। 147 रन पटना, 9 विकेट का पतन हो चुका है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, दो बल्लेबाज, क्षेत्ररक्षक में तब्दीलियां की जा रही हैं। शुभम बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पीछे हटते हुए एक जबरदस्त शॉट खेलना चाहा था बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले पर आई नहीं, स्कोर अब भी रुका हुआ। और ये देखिए यहाँ के दर्शकों में थोड़ी सी शोरगुल, काफी दर्शक इकट्ठे होते हैं यहाँ पर मैच देखने के। विकेट तीनों छोड़कर बल्लेबाजी हो रही है। और ये देखिए एक और शॉट जो बल्ले पर, काफी देर के बाद एक गेंद बल्ले पर लगती हुई दिखाई पड़ी, शानदार। और आज हम अपने कमेंट्री बॉक्स में बातें कर रहे हैं कि बेशक आज पटना की टीम ने कम रन बनाए लेकिन दमदार टक्कर होगी, इस बात से मेरे अंपायर भी सहमत होंगे। बिल्कुल उनका चेहरा बता रहा है कि ये टक्कर आज, हल्की गेंद फंसाया था चकमे में, उलझाया था। शुभम का एक ओवर संपन्न और हुआ है, 147 रन पटना, 9 विकेट के नुकसान पर 23वां ओवर संपन्न हुआ। तो आखिरी के तीन ओवर में 3 विकेट गंवाए पटना की टीम ने और मात्र 4 रन जोड़े गए इस दरमियान। तो जबरदस्त वापसी कराई है गया के गेंदबाजों ने। गौतम आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट, दूर से खेलने की कोशिश, सीधी रहती हुई गेंद गई गया टीम के कप्तान रंजन के हाथों में। रंजन का अच्छा फैसला था टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का, हालांकि उनकी टीम ने एक आधे दर्जन कैच भी टपकाए हैं, बावजूद इसके पटना 146 तक पहुंच चुकी है। शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर नो मैन्स लैंड, काफी दूर थे क्षेत्ररक्षक। देखिए यहां के दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, काफी संख्या में दर्शक यहां पे इकट्ठे होते हैं, और फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली। आखिरी विकेट की तलाश में, ये तलाश भी पूरी हुई, और इस तरह से पटना की पूरी टीम 148 पर पैक हो गई है, जीतने के लिए लक्ष्य रखा है गया के सामने 149 रनों का। मैं पूरे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से, देखिए यहां पर कितनी संख्या में दर्शक आते हैं, ये हमारी बाईं तरफ कमेंट्री बॉक्स से कैप्चर में कर रहा हूं, और 23.4 दाहिनी तरफ जहां पे चीयर्स लीडर का जलवा चलता है उस तरफ के दर्शक आप देख सकते हैं। ये है शुभकामना कप, ग्राउंड का नाम है कुली ग्राउंड, और जगह है परसरमा सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आयोजक हैं हमारे रिंकू सिंह शेखावत, आयोजन है YSC परसरमा का, और ढेर सारे सह प्रायोजक इसमें शामिल हैं। ये देखिए गया की टीम अब वापस जाती हुई, बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये, हमारे कैमरे में कैद होता हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंटेटर PN शेखर के नाम से है, और ये YouTube पर आज शाम तक डाउनलोड हो जाएगा। एक 147 रनों का लक्ष्य है नॉन स्ट्राइक पे गया टीम के सामने, और दो बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद, एक है रंजन और दूसरे हैं शशि।
शशि हेनरिक्स, जो हेनरिक्स के नाम को जोड़कर अपने नाम को आगे बढ़ाते हैं, शशि हेनरिक्स। अच्छी गेंद और खेलते वक्त सर थोड़ा सा हवा में उठ गया था आखिरी वक्त पर, गेंद से नजरें हटी लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। खाता खुलता हुआ गया टीम का, गया एक बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर फेंका जा रहा है, पटना की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी धीरज के कंधों पर। एक स्लिप को देखा जा सकता है विकेट कीपर के दाहिनी तरफ। हवा में शॉट, हवा में गेंद, एक खराब शॉट। और आखिरी वक्त में बल्ले को अलग करना चाहा था लेकिन तब तक बॉल निकल गई। अच्छी गेंदबाजी, थोड़े से विचलित दिखाई पड़ रहे हैं बल्लेबाज, उन्हें और धैर्य दिखाना होगा और खुद को टिकाकर बल्लेबाजी करनी होगी, ये लक्ष्य मामूली नहीं। 4.596 का। और ये देखिए पहला जिसको यहां पर रन निकलता हुआ, शानदार चौका, चली गई बिजली की रफ्तार से 4 रनों के लिए। तो कुल रन 5 पे पहुंचे हैं रंजन और शशि खेल रहे हैं अपने कुल एक के निजी योग पर। धीरज नहर एंड की तरफ से हल्के हाथों से गेंद को गली की दिशा में खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ पहला ओवर संपन्न होता हुआ, 6 रन बगैर किसी नुकसान के गया। 5.94 की आस्किंग रन रेट यहां पर गया के सामने रखा है पटना के बल्लेबाजों ने, और उस लक्ष्य का पीछा किस तरह से करेगी गया की टीम ये 5 ओवर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस मैच का नतीजा क्या निकलने वाला है और किस तरह की बल्लेबाजी लाइनअप है गया के पास। हालांकि पहले ओवर में गया के बल्लेबाजों ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, अनबने ढंग से शॉट खेले, भागशाली रहे दो अवसरों पर और जो चौका भी निकला तो बॉटम ऑफ द बैट लगते हुए थर्ड मैन की दिशा में आई थी। तो संभल कर बल्लेबाजी कीजिए आप और इस लक्ष्य को मामूली मत समझिए। दो अंपायर, बड़े अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह और स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं स्क्वायर लेग में खड़े हुए विनय झा, बीसीए पैनल के दो अंपायर, और ये संचालित हो रहा है रजिस्टर्ड टूर्नामेंट है बीसीए से शुभकामना कप YSC प्रसार द्वारा संचालित। गेंदबाजी में धीरज का साथ देने के लिए आए हैं रूपेश। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का, और जब तक स्क्वायर लेग में गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन भी ले चुके थे दोनों बल्लेबाज, तो 2 रन इस बॉल पर, पहली बॉल पर आए हैं। इन 2 रनों की मदद से 8 रन का कुल योग चला गया है गया का, और अब फ्री हिट का भी इशारा, एक मौका बल्लेबाज के लिए होगा किसी तरह का कोई डर कोई खतरा। शशि हेनरिक्स मारा ना, फ्री हिट पर होता नहीं सिवाय रन आउट के। तो इस फ्री हिट के सामने बल्लेबाज होंगे रंजन, जो टीम के कप्तान भी हैं, विकेट कीपर हैं, और एक शानदार अवसर दबाव बनाने का पटना के ऊपर। इससे पहले 99 रनों की पारी खेल चुके हैं रंजन, वाह अच्छा शॉट। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रंजन ने एक रन और अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 9 के कुल योग पर, खुद पहुंचे 6 पर। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, पहले ओवर फेंका था सामने नहर एंड की तरफ से धीरज ने, और दूसरे ओवर को लेकर आए हैं रूपेश। थोड़ी सी फील्ड प्लेसमेंट को बदला जा रहा है, जो फाइन लेग था उसे स्क्वायर लेग बना दिया गया है, और एक शॉर्ट फाइन लेग, काफी बाहर से खेलने की कोशिश, और जवान यंग सुरेंद्र नारायण के इशारे पर यहां के दर्शकों ने तालियां बजाई। ये
अंदाज यहां के दर्शकों को काफी पसंद आता है। वृक्ष पर पके पके आम आप नहीं देख रहे हैं, ये बच्चे हैं यहाँ के प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो लाल पीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। ये शॉट बहुत ही महंगा पड़ सकता है, इस तरह का खेल, इस तरह की जल्दबाजी। आज तो धूप भी खिली हुई है और जो पिच के नीचे का हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें आ जाता है, उसमें भी नमी में कमी है, और नमी में जब कमी हो और पिच थोड़ा सा ठोस हो जाता है तो उसमें गेंद बल्ले पर सही तरीके से आती है, तेज आती है, रुक कर नहीं आती है। हेलीकॉप्टर शॉट, कम बैक फुट पर, बैकलिफ्ट काफी कम रखते हुए इस शॉट को खेला था, खतरा लिया है यहाँ पर और खतरे पर खतरे, दो रन आए, दहाई के अंक में गया का योग चला गया है, कुल 12 एक रन, एक दर्जन रन। तो शशि आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर और सामना करेंगे रुपेश की गेंद का। रुपेश अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, दूर से खेलने की कोशिश, लगातार दूर से खेला जा रहा है, क्रॉस बैटेड शॉट चल रहे हैं। जिस तरह से पटना के बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी उस हिसाब से थोड़ी सी ऑकर्ड बल्लेबाजी हो रही है, इसे रोकना होगा अन्यथा बैकफुट पर चले जाएंगे। ये देखिए फिर से दूर, शरीर से काफी दूर, और अंपायर सुरेंद्र नारायण का इशारा और तालियों की आवाजें इनके इशारे पर। यहां सिर्फ चौके छक्के या चीयर्स लीडर पर तालियां नहीं बजती हैं, यहां सुरेंद्र नारायण के इशारों पर भी तालियां बजती हैं। चुपचाप खामोशी से विनय झा अपने साथी अंपायर को निहार रहे हैं, उनका चिरपरिचित अंदाज। विनय झा को मैं पूरे स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, BCA पैनल के एक कन्वेनर, वरिष्ठ अंपायर। ये देखिए फिर से ऑकर्ड शॉट और फिर से एक चौका बेशक निकला हो, हाउ वाज दैट की अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो दो ओवर की समाप्ति के पश्चात गया टीम का कुल योग है 17 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है, नहर एंड की तरफ से धीरज अपना अगला ओवर लेकर आए हैं और उनका सामना करेंगे शशि। अच्छा शॉट, काफी देर के बाद एक अच्छा शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया। ये रंजन है, माफ करेंगे, गया टीम के विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान, जिन्होंने टॉस जीता था आज और पटना को बल्लेबाजी सौंप दी। ये दांव सही पड़ा, पटना की टीम 146 रन पर ऑल आउट हुई और गया के सामने लक्ष्य है कुल जीत का 147। स्लिप को हटा लिया गया है और कवर एरिया में दो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, एक शॉट बैकवर्ड पॉइंट और एक गली है, ये ऑफ साइड की फील्ड पोजीशन बल्लेबाज को फंसाने के लिए। गेंदबाजी भी उसी हिसाब से की गई थी, दूर से खेलने की पुनः कोशिश में नाकामयाब रहे रंजन। जहां तक रनों का प्रश्न, तो रन 17 है। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है पटना की तरफ से, गेंदबाजी की जिम्मेवारी रुपेश और धीरज के कंधों पर। पारी में कुल अब तक दो चौके आए हैं, जांचा परखा, जाने दिया, अच्छी बल्लेबाजी। जिस तरह से आप गेंद को खेलते हैं और जिस तरह से लिफ्ट करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, स्लॉग्स के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी नहीं होती है शुरुआत में, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बेहतर है आपके लिए, बल्लेबाज के लिए बहुत बेहतर। देखिए ये क्या किया, जब वाइड मिल ही रही थी तो इसमें बल्ले चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए विकेटों में कई बार ऐसे गेंदों पर हमने बल्लेबाज को पेवेलियन का रुख अख्तियार करते हुए देखा है। पारी में
और ये बाहर थी गेंद, लेकिन फायदा उठाया इस बार, अच्छा शॉट और निकल गया चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, जहां पर चीयर्स लीडर के जलवे आप देखते हैं, वहां पे गेंद गई, यानी कि वाइड थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका निकलता हुआ। इस चौके की मदद से गया टीम का कुल योग चला गया है 22-22 रन। एक एक रन महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना की टीम ने कम रन बनाया आज। गेंद की लाइन से आखिरी वक्त में बल्ले को हटाया, ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 22 रन गया बगैर किसी नुकसान के। और यहां पर देखिए एक और अजीबोगरीब तरीके से खेला गया शॉट, 4 रन का इशारा, और इशारों के लिए तालियां बजती हैं यहां। अच्छा शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया आपने, सामने दबाया, दो बल्लेबाज टीम के कप्तान रंजन और शशि, और अब तक दोनों टिके हुए हैं, हालांकि कुछ ऑकवर्ड शॉट भी इस दौरान 4-5 खेले गए। ये देखिए ये मेरी बातों का जवाब यहां पर देते हुए रंजन, और 101 रुपए का पुरस्कार आया है आनंद कुमार भास्कर की तरफ से इन्हें। और एक और हवा में खेला गया शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? जी नहीं, थोड़ा सा एफर्ट और लगाते तो शायद हाथों में गेंद चली जाती, लेकिन कोशिश अच्छी हुई थी। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर कितने रन लिए? 2 रन ले लिए, वाह, मिले हुए मौके का फायदा उठाया, 2 और रन जोड़िए तो कुल रन हो गए गया के 34। बातों ही बातों में पता भी नहीं चला। ये देखिए जब शरीर से दूर रहती है गेंद खींचने की कोशिश में, और ये हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और इसी के साथ यहां पर कैच भी ड्रॉप हो गया। ये मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं कि कैच कैसे छोड़े गए आज दोनों पारी में, रजनीश द्वारा कैच छोड़ा गया है, एक आसान सा कैच मौका मिलता हुआ गया के बल्लेबाजों को। छोड़ना क्रिकेट का बेशक हिस्सा होता हो, लेकिन कई छूटे हुए कैचों ने मैच के नतीजे पर काफी असर डाला है। याद करें हर्षल गिब्स के हाथों से कैचा वो रिकी पोंटिंग का छूटा हुआ कैच, ऑस्ट्रेलिया फिर विश्व चैंपियन बनी थी। रुपेश और धीरज की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और देखिए यहाँ पे बल्लेबाज ने कुछ करिश्मा करने की कोशिश की, अगर अपनी जगह पर रहते तो निश्चित तौर पे वाइड के काफ़ी करीब ये गेंद जा रही थी। शशि धीरज के सामने, अच्छा शॉट, पटाका शॉट, सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे क्षेत्र रक्षक, और ये लग गया एक और छक्का, और यहां पर वापसी की है गेंदबाज ने। आखिरी वक्त में बल्ले के करीब से गेंद गुजर गई, बाल बाल बचे सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। जहां तक रनों का कुछ कुल प्रश्न है, कुल रन गया 41 बगैर किसी नुकसान के। अभी एक कैच छूटा था रजनीश से, दूर से खेलने की कोशिश, और गेंद चली जा रही है काफी तेज रफ्तार से दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 45 रन गए बगैर किसी नुकसान के। धीरज दूर से खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विनय झा का, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए गया 46। 46 रन बनने में कोई भी विकेट नहीं गिरे हैं, लेकिन शॉट ऐसे ऐसे खेले गए कि कई दफा लगा कि बल्लेबाज पेविलियन की तरफ जाए गए। ये देखिए एक और शॉट, बेहतरीन शॉट, मिडल स्टंप पर थी, और इसी के साथ 50 रन पूरे हो गए गया टीम के। तो 5 ओवर संपन्न हुए हैं, गया टीम का कुल योग बगैर किसी नुकसान के 52, और जीतने के लिए अब 3 डिजिट से नीचे का योग आ गया है। अब जीतने के लिए गया की टीम को चाहिए कुल 90
97 बहुत ही खूबसूरती से इस गेंद को संभाला, मिड ऑफ की दिशा में धकेला, मिस फील्डिंग हुई है रजनीश से, एक बार फिर से मिस फील्डिंग, 148 और मिले हुए मौके का फायदा, तीसरी बार मिस फील्डिंग। और यहां पर देखिए, जहां एक रन आने थे वहां रन ले लिए गए कुल तीन। गया की टीम ने जब कई कैचे छोड़े थे तो लगा था कि गया की टीम फील्डिंग के मामले में कमजोर है, लेकिन पटना भी उनसे पीछे नहीं। रजनीश ने एक कैच टपकाया और एक रन की जगह तीन रन दिए। अभी ये अच्छी गेंद, बैकलिफ्ट हाई थी बल्ले की, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कदम ताल निकलेंगे और एक लॉफ्टेड शॉट लगाने की मंशा रही होगी बल्लेबाज की, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, अपने बल्ले के फेस को बंद किया, मुंह को बंद किया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक की साझेदारी निभा दी, कुछ अटपटे शॉट खेले गए, कुछ कैच भी ड्रॉप हुए हैं। और ये देखिए लपेटा है, घुमाया है, क्रॉस बैटेड शॉट, स्क्वेयर लेग, बिल्कुल जहां पे विनय जा खड़े हैं वहां पर एक क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस शानदार आयोजन पर अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार आप करें, अगर आप गेंद तक नहीं पहुंच रहे हैं तो विकेट फेंकने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ये कोशिशें चल रही थी कि मेरा विकेट कब गिरेगा, और क्रॉस बैटेड शॉट, पहला विकेट गिरता हुआ गया। 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 55 पर पहला विकेट का पतन हुआ गया टीम का, और आउट होने वाले बल्लेबाज शशि, जिन्होंने आउट होने से पहले कुल 37 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया। तो रूपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नहर एंड की तरफ से, 55 रन एक विकेट के नुकसान पर गया टीम का कुल योग। बहन का फोटो खींचा जा रहा है, देखिए लड़की सब के फोटो खींचे जाता है। हल्के हाथों से खेलकर खतरा मोड़ लिया है फाइनल की दिशा में, गेंद जब तक फील्ड होती है दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और रनों की संख्या को पहुंचा दिया कुल 56 रन। जीतने के लिए गया की टीम को कुल 149 रनों की आवश्यकता है और उनमें से 56 रन आ गए, एक तिहाई से ज्यादा रन बना लिए गए हैं गया की तरफ से, और मात्र एक विकेट ही गवाया है गया की टीम ने। ये सीधे बल्ले से खेलने वाला बल्लेबाज दिखाई पड़ा अब तक गया की टीम की तरफ से, सुफल यादव आए हैं, खुद को सफल किया सुफल ने, अपने सामने दबाया गेंद को, 56 रन। हल्के हाथों से गेंद डाली थी और खेलने के साथ ही दौड़ लगा चुके हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अगर फील्डिंग करके थ्रो फेंका जाता तो अवश्य बल्लेबाज परेशानी में दिखाई पड़ते, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। रूपक राइट आर्म ओवर द विकेट उनके सामने है, सुफल यादव फील्ड पोजीशन देखिए, एक डीप स्लिप गली शॉर्ट कवर ऑफ साइड की नज़दीकी क्षेत्र रक्षण, जबकि दूर की अगर बातें करें फार अवे की तो एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक बैकवर्ड पॉइंट जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ा है, और फाइन लेग और थर्ड मैन का क्षेत्र बिल्कुल खाली। ये फील्ड पोजीशन है पटना के तरफ से, घेरे के अंदर विकेट कीपर गेंदबाज सहित 7 खिलाड़ी, हवा में गेंद थी, गैप में गई, गली और कवर्स एरिया के बीच से ये बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। ओवर संपन्न होता हुआ कुल 7 ओवर 58 रन एक विकेट के नुकसान पर गया। अनुभव आए हैं पटना की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए, और कितना अनुभव लगाते हैं क्योंकि गया की टीम मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है, अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने 20-25 रन भी जोड़ लिए
तो समझिए कि आधा स्कोर पार कर जाएंगे वे। एक एक रन महत्वपूर्ण है दोस्तों, कम स्कोर खड़ा किया है पटना की टीम ने, उन्हें एक एक रन बचाना पड़ेगा। दमदार लड़ाई पटना बनाम गया के बीच, ललचाने की कोशिश की थी। क्षेत्ररक्षक की अगर बातें करें तो एक लॉन्ग ऑन दिखाई पड़ रहा है, लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र खाली। और ये हमारे चीयर्स लीडर के बेंच की तरफ, बहुत ही खूबसूरत कट किया है, बेहतरीन शॉट, लाजवाब बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका निकल गया, महत्वपूर्ण चौका। गया की टीम मजबूती से अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रही है। फ्लाइटेड बॉल गेंद के पीछे, कट किया, एक और चौका निकलता हुआ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, यह गेंद चली गई चार रन के लिए, दो लगातार चौके निकल गए। रंजन 23 पर और गया 66, एक ही विकेट का नुकसान। आहा, ऐसे शॉट्स जब बल्लेबाज खेलते हैं तो लगता है सही मायनों में लक्ष्य का पीछा किया जा रहा है। बेशक आपके एक विकेट गिरे हो, लेकिन अगर एक और विकेट गिर गया तो फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। गेंदबाज भी बहुत चतुर है, कड़ी परीक्षा ले रहा है बल्लेबाज का। और देखिए एक और ओवर संपन्न हुआ, 8 ओवर 66 रन, एक विकेट के नुकसान पर गया। उपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सुफल स्ट्राइकिंग एंड पर गेंद के आने का इंतजार किया, थोड़ी सी उछाल दिखाई पड़ी इस गेंद में। बल्ले के ऊपरी हिस्से में टकराने के पश्चात गेंद गई गली की दिशा में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कुल रन गया एक विकेट के नुकसान पर, स्कोर 66। बहुत ही खूबसूरती से अपने शरीर से गेंद को दूर फेंका, और जब तक गेंद मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए 67 की रन संख्या पहुंच गई है गया टीम की। भारी भीड़ दर्शकों, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस मैच की जान है, खूबसूरती बढ़ाते हैं, लाख लाख धन्यवाद आपका। बेशक गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहे हो, लेकिन ललचाती हुई गेंदों से बल्लेबाज को आंक रहे हैं, कड़ी परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाज की, और बल्लेबाज भी है कि यहां पर धैर्य नहीं खो रहे हैं, सीधे बल्ले से अब खेल चल रहा है। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। गया 67 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट, ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 9वां। अभी काफी ओवर्स बचे हुए हाथों में शेष हैं, अगर विकेट आपके हाथों में शेष तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। अच्छी बल्लेबाजी पुनः, काफी बाहर निकल आए, रन आउट। जी हाँ, आवश्यकता नहीं थी इस तरह के रन लेने की। तो चलिए ये टर्निंग पॉइंट कहीं साबित न हो जाए, कई अवसरों पर आपने देखा होगा लग रहा था टीम आसानी से जीतेगी लेकिन कोलैप्स कर जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह सामने वाली टीम का बेपरवाह हो जाना, कोई जरूरत नहीं थी सिंगल चुराने की, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आप। नए बल्लेबाज आए हैं गौतम, हाउ वाज दैट की अपील, ओवर संपन्न होता हुआ। सफलता तो गेंदबाज को मिली नहीं, लेकिन टीम को सफलता मिली, एक ओवर संपन्न, 9 ओवर 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गया। ज्यादा अंतर नहीं है हार और जीत में, लेकिन अंतर आप खुद अपने विकेट को फेंक कर अगर पैदा कर रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है। अनुभव बाएं हाथ से डांसिंग डाउन द ट्रैक, अच्छा शॉट गैप में, क्या ये गेंद जा पाएगी? जी नहीं, वहां पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो बाउंड्री लाइन पर क्षेत्ररक्षक खड़े हैं, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। और वहां पे एक अच्छे उदयमान क्रिकेटर पटना के मिंशु खड़े थे, गेंद को फील्ड करते जब तक थ्रो आता, एक ऑर्डन गया 68।
डायगनल गेंदबाजी हो रही है, विकेट और अंपायर के सीध में नहीं होकर उनके बीच से गेंदबाजी एक छोटी सी स्लिप लगा ली है अनुभव ने। बायां हाथ से राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए लाजवाब तरीके से फील्डिंग करते हुए, लेकिन एक रन रेले से रोक नहीं पाएंगे। 69 गया 69 रन तक, लालच दी थी यहां पर अनुभव ने और कहा था आप लॉफ्टेड शॉट लगाइए। इस आमंत्रण को तो कबूल किया बल्लेबाज ने, लेकिन कहा कि जी नहीं, मुझे अभी धरती पे रहना है, आकाश में मत उड़ाइए। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, अच्छी बल्लेबाजी। इस तरह की बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ बैठे हुए बच्चे भी सीखते हैं, उल्टा पुल्टा शॉट लगाने में यहाँ के बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर नीची रही थी गेंद, फिर से एक रन लेने की कोशिश, खतरा यहां पर मंडराया था, आखिरी वक्त में खुद को लौटाया क्रिस के अंदर और इसी के साथ एक ओवर संपन्न। 70 रन 10 ओवर की समाप्ति हुई है, गया टीम 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये एक और नया ओवर शुरू हो रहा है, अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाजी की अगर बातें करें तो कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, बल्लेबाजी अटपटी हुई थी शुरू में और गेंदबाजी सही लाइन लेंथ की हुई है, क्षेत्ररक्षण भी मिला जुला कर सही हुआ है, लेकिन रन कम बनाए आज पटना की टीम ने। गया की टीम ने आज कैचेस भी छोड़े बहुत ज्यादा, बावजूद इसके पटना की स्कोर कम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी और देखिए इस बार स्लोअर डिलीवरी डाली, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी को मौजूद कर लिया है और इस बात को भली भांति परख चुका है ये बल्लेबाज कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर आपने इस बात को भांप लिया तो आप अपने विकेट नहीं गंवाएंगे। वाह, ये शॉट थोड़ा सा बेहतर और मिले हुए मौके का फायदा उठाया बल्लेबाज ने। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, एक ओवर संपन्न और 11 ओवर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर गया और यहां पर एक अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो। दर्शक खामोश को एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, लाजवाब आए, हमारे बिहार के प्लेयर हैं, देश के भविष्य। लंबा शॉट गैप पे खेला गया और लीजिए शानदार चौका निकलता हुआ, रनों की संख्या कुछ चल गई 78, आधे से ज्यादा रन अब आ गए हैं। गौतम पहुंच गए 6 रन सुफल साथ, गौतम 6 और देखिए यहां पर हाथों में कैच, कैच प्रैक्टिस करवा दी गई और अंततः एक और विकेट गिरा। एक बार फिर से कुल रन बता देना चाहता हूँ, 78 for 3 जबकि ओवर नंबर ये 12वां फेंका जा रहा है। 78 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी है, अब यहां से अगर कोई विकेट गंवाती है तो गया की टीम के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। 149 रन बनाने होंगे जीतने के लिए गया को। फ्लाइटेड बॉल, अब बॉडी लैंग्वेज देखिए पटना के खिलाड़ियों की, थोड़ी सी राहत मिली है तीसरा विकेट गिरने के बाद, फुर्तीले लग रहे हैं पटना के सारे खिलाड़ी। अब देखिए जहां पे एक रन था वहां रन लिया नहीं गया, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब थोड़ी सी फुर्तीले और बॉडी लैंग्वेज भी पटना का बदल चुका है तीसरे विकेट के गिरने के बाद। और ये विकेट का पतन होता हुआ, पटना की पूर्णतः वापसी हो गई है। नहीं गिरा, सिंगल अभी अभी आता हुआ, एक और रन जोड़िए गया के खाते में, गया के कुल योग चला गया है 79। अभी अभी विकेट खोया है गया ने, एक लगातार
तीन विकेट गए हैं, एक अच्छी साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए और अब थोड़ा सा मुकाबला फंसा हुआ, थोड़ा सा पलड़े में बराबर पटना और गया का ये मुकाबला। और ये अगर चौका निकलता है तो बहुत बड़ी सफलता होगी, बड़ा काम का चौका निकल गया यहाँ पर, मानो भाई महीन सुई से धागे को निकाल दिया। और यहाँ पर हल्के हाथों से खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक रन लिया और इस सिंगल के जरिए गया टीम का कुल योग चला गया है 84 रन, चार विकेट के नुकसान पर। व्यक्तिगत स्कोर भी आप बता देते रहे, आलोक यशराज खेल रहे हैं 5 पर और सुफल खेल रहे हैं 8 के अपने निजी योग पर। रूपक की गेंद बैक टू द बॉलर और यहां पर आसानी के साथ तो एक रन पूरा करेंगे या रन आउट हो जाएंगे, एक और रन आउट का खतरा है, एक और रन आउट का खतरा है। जी नहीं, यहां पर अंपायर नजदीक गए और उन्होंने कहा कि सुरक्षित है क्रीज में, बिल्कुल कड़ी निगाहें इनकी होती हैं विनय झा की। और 2 रन के साथ गया टीम 86 रन। रूपक एक लंबा अनुभव इनके साथ और एक अच्छा ओवर संपन्न किया रूपक ने, एक और ओवर संपन्न होता हुआ गया टीम का कुल योग। तो देखिए बिल्कुल आलोक आपका कहना सही है, दर्शक अपने अपने जगह पर खड़े हो गए, बेशक लो स्कोरिंग मैच है और रिंकू जी ने बताया था लो स्कोरिंग नहीं, ये एक संघर्ष लायक स्कोर खड़ा किया है पटना ने। तो अब ये पिछले जितने मुकाबले हुए मुझे लगता है ये कांटे की टक्कर होने वाली है, एक अदद विकेट की तलाश में पटना की टीम। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, कुंदन शर्मा आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, 2 बल्लेबाज यशराज और सुफल यादव से काफी उम्मीदें गया की टीम को। दूर से खेला गया शॉट, विकेट कीपर ऊपर, एक उत्तेजना सारे मैदान में ग्राउंड में फैला हुआ। हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराना चाहते थे लेकिन एक रन लेने के लिए गेंद की रफ्तार थोड़ी सी जब स्लो होती है तो उसमें दोनों बल्लेबाजों को वक्त मिलता है। तेजी से गेंद गई थी गली की दिशा में, रन की गुंजाइश नहीं। कुंदन शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, हिट किया है और ये क्या एक महत्वपूर्ण चौका निकल गया। जी हाँ बिल्कुल, एक मस्त पारी सजती संवरती हुई और लीजिए एक रन और जोड़िए 91। और जैसे ही 3 डिजिट को पार करेगी गया की टीम धीरे धीरे वो अंतर कम होना शुरू हो जाएगा। 149 रनों की आवश्यकता, पटना ने टॉस हारने के पश्चात जब बल्लेबाजी की तो 148 रन बनाए थे। कुंदन शर्मा शानदार 49 रन बनाकर आउट हुए थे। ओ, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद कुंदन शर्मा की, माफ करेंगे कुंदन ने 44 रन बनाए थे और 49 रन बनाए थे मीशू झा ने। हैट्रिक छक्के लगाकर उमेश राज पासवान द्वारा प्रायोजित 5100 रुपए की राशि कुंदन शर्मा ने जीती। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, एक रन लिया है, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, क्या रन आउट का खतरा होगा? जी नहीं, अगर थ्रो अच्छा आता तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज परेशानी में होते, परेशानी में हैं, उनके पैर पर गेंद लगी है, प्रतीक आए हैं अपनी टीम की तरफ से कुल ओवर नंबर फेंकेंगे 15वां। जबकि योग में बता दूं गया टीम का कुल योग है 4 विकेट के पतन के पश्चात 93 में 7 जोड़िए और 49 सुधर, तो कुल अब जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता, 60 बाकी बची कुल 66 गेंदों में कांटे की टक्कर हो गई है। अब 6 विकेट हाथों में शेष, बहुत ही ज्यादा बाहर, एक खराब गेंद, वाइड का इशारा, बल्लेबाज को भी देखिए रपेटने चले गए थे, दूर तक रपेटा खदेड़ा गेंद को लेकिन गेंद उनके पास आई नहीं, वेफा प्रेमिका की तरह छिटक कर दूर चली गई, शॉ के करीब आंकड़ा जाता हुआ।
घूमकर शॉर्ट आर्म पुल लगाने की कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी बल्लेबाज को। ये सही किया, सबसे ज्यादा हो, ये अगर चौका निकलता है तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदे डाल रहे हैं, प्रतीक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यशराज 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गया टीम का कुल योग 95। और देखिए एक चौका निकल गया, बेस्ट नीडेड फोर यहां पर निकलता हुआ। हवास देट की अपील कर रहे हैं, कोई अपील में जान नहीं, खराब गेंद और लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और मुकाबला चल रहा है कांटे की टक्कर गया बनाम पटना, शुभकामना कप के अंदर। प्रतीक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और यहां पर मिसफील्डिंग हुई है, हाथों से गेंद निकली और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक गया, टीम के 100 रन भी पूरे हो गए। जो जो दर्शक तालियां बजाइएगा उनकी तस्वीर में ले रहा हूं, हाँ सभी लोगों की YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं खुद को। काफी बाहर निकल आए थे इस तरह, अपने पैरों पर अगर कुल्हाड़ी आप मारते हैं तो फिर मुसीबत हो जाएगी। सामने से बल्लेबाज ने मना किया, कहा कि कुछ नहीं यार, जम के खेलो, 100 रन पूरे हो गए हैं, अब जीतने के लिए 49 रन ही चाहिए, एक एक रन घटाते जाइएगा। और देखिए क्या किया, इस बार गेंद का पीछा किया था, भागशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया। एक और ओवर संपन्न होता हुआ, कुल 15 ओवर। मुकाबला देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अनुभव आए हैं गेंदबाजी में, अनुभव झोंकना होगा, वापसी करनी है अगर पटना की टीम को तो अब विकेट निकालने होंगे, साझेदारी तोड़नी होगी। 3 ओवर 18 रन, 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी करते हैं अनुभव, डांसिंग डाउन द ट्रैक, विकेट और अंपायर के बीच डायगनल दौड़ते हुए काटते हुए, ऐसे गेंदबाज अब काफी कम रह गए हैं। ये खराब शॉट लेने की कोशिश, चोटिल हुए हैं यहां पर क्षेत्र रक्षक, उनके चेहरे में गेंद जाकर लगी है। शर्मा है वहां पर, अच्छी बल्लेबाजी आज दिखाई कुंदन शर्मा ने, धीमी रफ्तार की गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, ये बल्लेबाजी अच्छी नहीं है। 16वां ओवर, आसान सा लक्ष्य है बिल्कुल, एंड की तरफ से बाएं हाथ से जगह बनाया था, रूम बनाई थी अपने लिए और गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 14 लॉफ्टेड शॉट, बेहतरीन छक्का, हार और जीत के अंतर को कम करने वाला छक्का, राहत भरा वाला छक्का, ये 107 रन गया। एक और बेहतरीन शॉट, हार और जीत का गया कि 111 गया, 4 विकेट के नुकसान पर, अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू द बॉलर खेला है, एक बॉल को डेट करना बहुत बड़ी बात होती है। मिट्टी के लोग ध्यान रखें हमारे कमेंट्री बॉक्स में, जो गैदरिंग हो जाती है उसे रोकें। 17वां ओवर प्रगति पर है, 111 रन, अभी बहुत रोमांच बाकी है मैच में। और यहां पर क्या रन, जी नहीं, रन नहीं पूरा कर पाए और वापस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। तो फिर से मैं दोस्तों रन बताऊं आपको, गया टीम का स्कोर 111, 5 विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए अब यहां से 38 रनों की और आवश्यकता, गेंदे बची हुई हैं कुल, ये 17वां ओवर फेंका जा रहा है, बैक टू द बॉलर, अब देखिए थोड़े से जोशीले लग रहे हैं गेंदबाज, जोश के साथ गेंदबाजी भी कर रहे हैं, और जो क्षेत्र रक्षक है पटना के, उनके शरीर में
थोड़ी सी फुर्ती स्फूर्ति आ गई है। 38 रन और चाहिए, लक्ष्य अभी काफी दूर, लक्ष्य आसान नहीं है। और यहां पर फिर देखिए, अगर इस रन को लेने की कोशिश होती तो एक और रन आउट देखने को मिलता। ओवर संपन्न होता हुआ 17वां, गया टीम का कुल योग 111 पांच विकेट के नुकसान पर, जीतने के लिए 38 रन चाहिए। रूपेश की पहली गेंद और मोड़ा है इसे डीप फाइन लेग की दिशा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज आए हैं गया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए, जामी खान, और उनके साथ 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुफल यादव। सुफल यादव की वजह से दो बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद और यहां पर तीसरा रन आउट दिखाई पड़ेगा क्या? जी नहीं, अगर विकेटों में गेंद लगती तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज जामी खान को वापस पवेलियन लौटना पड़ता। 113 रन, दो बल्लेबाज रन आउट हुए हैं अब तक, प्रकाश ने बताया। इन पांच गिरे हुए विकेटों में दो बल्लेबाज रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटे हैं। बिल्कुल पलड़े में ये कांटे की टक्कर, दोनों टीम गया बनाम पटना का मुकाबला आप देख रहे हैं। हड़बड़ाती हुई गया की टीम, गलत गेंद और अब एक रन और जोड़िए गया के खाते में। कुल रनों की संख्या गया 114, जीतने के लिए यहां से कुल कितने रन चाहिए? 35 रन चाहिए जीतने के लिए। ये 10 रन और अगर इसमें जोड़े तो 25 रन चाहिए, तो कितना नजदीक, क्लोज। 25 जोड़ दीजिए तो काफी बाहर गेंद और अंपायर सुरेंद्र नारायण के इशारे पर बच्चे खुश होते हुए तालियां बजाते हुए, मजा दीजिए तालियां, ताली बजाने का मन कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद। अब तक अगर पूरे आज के मुकाबले की बातें करें तो सबसे बेहतर गेंद मुझे ये लगी, कंधे का इस्तेमाल और गेंद में बाउंस देखने का मौका मिला। टिंकू पप्पू जिस तरह से अपनी गेंदों से परेशान कर रहे थे मुजफ्फरपुर के गेंदबाज, वो देखने का आज मौका मिला। हालांकि तुषार नजर नहीं आ रहे इस बार के टूर्नामेंट में, बेहतरीन गेंदबाज वो भी हैं। और यहां पर मिडल और लेग की तरफ गेंद डाली गई थी, एक रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। और यहां पर खतरा मोड़ लेते हुए दो रन पूरे कर लिए, तो रनों की कुल संख्या 117 है। जामी पहुंचे 3 पर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुफल खेल रहे हैं अपने 20 के निजी योग पर। आज मैन ऑफ द मैच में थोड़ा सा टफ हो जाएगा मामला निकालना कि कौन होगा, बस 25 मिनट के बाद इस मैच का फैसला हो जाएगा। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, आखिरी वक्त में बल्ले पर आके लगी और गेंद गई थी गली की दिशा में। ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर, अनुभव आए हैं अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, धीरज आए हैं माफ करेंगे, और धीरज के सामने होंगे सुफल यादव 20 के अपने निजी योग पर। दूर से खेला गया शॉट और वहां पर कुंदन शर्मा मौजूद थे, और ऐसे अच्छे क्रिकेटर के पास से गेंद इस तरह से नहीं निकल सकती है। अच्छे फील्डर हैं, गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी का जलवा भी दिखाया, हैट्रिक 6 भी लगाए और 5100 रुपये की राशि भी जीती कुंदन शर्मा ने। ये गलत शॉट अक्रॉस द लाइन, अगर बैट पर लगने के बाद उनके लेग गार्ड पर नहीं लगती तो शर्तिया इन्हें वापस पवेलियन जाना होता, अक्रॉस द लाइन खेल गए थे। पलड़ा कभी भी किसी की तरफ झुक सकता है, रोमांचक मुकाबला। अच्छा शॉट लेकिन कोई रन नहीं, डॉट बॉल जल्दबाजी में दिखाई पड़ रही थी उस वक्त गया की टीम। दूर से खेलने की कोशिश, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर हो रही है। धीरज की अच्छी गेंदबाजी,
पटना के एक बड़े अच्छे गेंदबाज धीरज सामने वाले एंड की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर बहुत लंबा छक्का। ओ माय गॉड, ये तो भाई इस बॉल को सुपौल जाके लाइए। 123 रन पर पहुंचा दिया सुफल ने और ये वाइड का इशारा आता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बारीक नजर रखकर अंपायरिंग करा रहे हैं आज सुरेंद्र नारायण सिंह और विनय झा। चूंकि हम विकेटों की सीध में होते हैं पता चल जाता है निर्णय का। फिर से दूर खेलने की कोशिश और ओवर संपन्न होता हुआ, कुल ओवर नंबर समाप्त हुआ है 19 रनों की संख्या गया 124 रन 5 विकेट के नुकसान। बेहद ही रोमांचक मोड़ पर यह मुकाबला चलाया, 36 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता। अनुभव गेंदबाजी करने आए, बहुत ही अनुभवी गेंदबाज, एक एक रन। जी हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी होती है जब बल्लेबाज जमीनी शॉट खेलते हैं और अपनी टीम की नैया को पार लगाने की कोशिश करते हैं। बेशक रन का लक्ष्य बड़ा हो, लेकिन अभी रिंकू जी ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं ऐसे वक्त में छक्के और चौकों की। सुफल यादव के लिए अनुभव बायां हाथ से राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए, कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, रुक नहीं पाएगी, शानदार चौका। यहां पर विकेट की आवश्यकता क्या, अनुभव अपने अनुभव से विकेट दिलाएंगे। अनुभव बायां हाथ से राउंड द विकेट, लंबा शॉट, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत छक्का, लाजवाब हिट, बेहतरीन छक्का। खेल रहे हैं 36 रन पर और टीम की रन संख्या कुछ चली गई। एक और बेहतरीन शॉट और एक और शानदार यहां पर फील्डिंग। चूंकि हम कमेंट्री बॉक्स में जहां पर है वहां से काफी ओवर थ्रो, तो यहां पर 3 रन और जोड़ लीजिए, 138। अनुभव बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। सुफल का टोटल स्कोर बताएं, सुफल पहुंच गए 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सुफल और चाहे तो अर्धशतक जमा सकते हैं, उनके हिस्से में अभी गेंदे हैं, वक्त है। और ये लीजिए, जले पर नमक छिड़का है खान ने और जेमी के बल्ले से लग गया। अब मात्र गया की टीम को कल मधुबनी के साथ भिड़ने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। राजधानी की टीम को आज नाको चने चबा दिए गया की टीम ने। सात मात्र रन की आवश्यकता, 5 विकेट हाथों में शेष। रजनीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक रन और, अब एक बाउंड्री की आवश्यकता, यानी कि अगर 6 रनों की मात्र आवश्यकता है रजनीश के सामने। जेमी और यहां पर उछाल दिया है 6 रनों के लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया गया कि टीम ने 5 विकेट से, कि टीम ने 5 विकेट से जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्या खूबसूरत अंदाज में सुफल यादव की बल्लेबाजी हुई है, उनके सचिव का फोन आ रहा था और 40 शानदार रन बनाए सुफल यादव ने। तो इस सूचना के साथ मैं अपने कमेंट्री बॉक्स से आलोक और प्रकाश के साथ ये बताते हुए कि इस मुकाबले को 5 विकेट से जीता है गया की टीम ने और कल मधुबनी के साथ बहुत अच्छा होगा। दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद जय भारत।